नमस्कार दोस्तों, अगर आप ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो रेलवे का ये नया नियम जरूर जान लें। अगर आपके पास कोरोना की आरटीपीसीआर जांच की नेगेटिव रिपोर्ट या कोरोना की दोनों डोज की सर्टिफिकेट नहीं होगी तो आपको ट्रेनों में सफर करने की अनुमति नहीं होगी। जी हां, रेलवे नए नियमों के अनुसार इन सभी चीजों को अनिवार्य कर दिया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किन किन राज्यों से आने पर और जाने पर इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा, ताकि आप अच्छे से यात्रा कर पाएं और किसी भी प्रकार के परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, पूरी जानकारी जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, तो रेलवे कुछ नई गाइडलाइंस को लेकर आया है। जी हाँ, आपको बता दें, महाराष्ट्र समेत इन 11 राज्यों से आने वाले यात्री और जाने वाले यात्रियों को आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी, वो भी 4 दिन पुरानी होनी चाहिए। जी हाँ, अगर आपके पास 4 दिन पुरानी आरटीपीसीआर जांच की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं होगी तो आपको यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। आपको बता दें, इन 11 राज्यों में मेघालय, त्रिपुरा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, गोवा और अरुणाचल प्रदेश शामिल है। तो दोस्तों, महाराष्ट्र समेत 11 राज्यों से यूपी आने वाले लोगों के लिए सरकार ने नया नियम लागू कर दिया है। 31 जुलाई तक इन राज्यों से आने वाले लोगों पर सख्ती से इस नियमों का पालन करना होगा। आपको बता दें, अब ट्रेन से सफर करने के लिए आपको कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट की आरटीपीसीआर और दोनों डोज का वैक्सीन लगा होना चाहिए, तभी ट्रेन में सफर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।